अगले कॉल। नमस्कार। हाँ सर नमस्कार, बोलिए। मैं मनीष अरोड़ा बात कर रहा हूँ सर, उदयपुर उत्तरांचल से। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आईपीएल को बिल्कुल बैन कर देना चाहिए और भविष्य में कभी आईपीएल ना हो, इसके लिए सरकार को कठोर कदम। धन्यवाद। लेकिन ऐसी होने की संभावना नहीं दिखती, कम से कम तब तक नहीं दिखती जब तक हिंदुस्तान एक साथ आकर आवाज नहीं उठाता, और ये आवाज उठाए, इसलिए हम बार बार आपके सामने ये विषय लेकर आ रहे हैं। अगले कॉलर। नमस्कार, बोलिए, क्या कहना है? आईपीएल को जल्दी से जल्दी बैन कर देना चाहिए, क्योंकि आईपीएल केवल पैसे का गेम है। आईपीएल के अंदर एक भी गरीब का लड़का नहीं खेल रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि आईपीएल में वही बंदा खेल रहा है जिसके पास पैसा है। अदरवाइज गांव के अंदर भी एक अच्छा बॉलर आपको एक अच्छा बैट्समैन मिल जाएगा, लेकिन सिटी का बंदा ही आईपीएल खेल रहा है, गाँव का बंदा नहीं खेल रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पैसा है, और जो जिस आदमी के पास पैसा है वो आईपीएल खेल सकता है। इसको जल्दी से जल्दी बंद करना चाहिए। और आईपीएल की जो आईपीएल हर आदमी के ऊपर हावी हो रहा है, अभी आदमी चीन की सीमा को छोड़ दे, चीन के ऊपर फायरिंग होती है, चीन के आदमी अंदर आते हैं, उसको भूल के आदमी आईपीएल के अंदर इंटरेस्ट ले रहा है। उधर पाकिस्तान वाले रोज लोचा करते हैं इंडिया की बॉर्डर के ऊपर, उसको भूल के आदमी क्रिकेट में इंटरेस्ट ले रहा है। मतलब देश का कुछ ख्याल नहीं है, आदमी क्रिकेट। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। सही बात आपने कही, जब चाइना भारत में घुस आया तो देश की युवा शक्ति आईपीएल के तरफ आंखें लगाए बैठी थी, और उनका दिलो दिमाग आईपीएल में मैचेस देखने में व्यस्त था। चाइना ने भी इस देश पर आक्रमण करने का समय कैसे चुना, जब इस पूरे देश की शक्ति आईपीएल के तरफ मंत्रमुग्ध होकर नशे में चूर थी। अगले कॉलर। नमस्कार, बोलिए। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, ये आईपीएल का मतलब क्या होता है? ये इंडियन पैसा लीग था, अब ये इंडियन पाप लीग हो गया है। नहीं, मैंने तो इसका मात्र है मतलब है कि इंडिया पी कर लूट, पहले इंडिया में दारू पी, फिर उसको बाद इंडिया को लूट। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर। नमस्कार, बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? नमस्कार जी, सुरेश जी, बोलिए बोलिए। मैं सबसे पहले तो गांधीवाद खत्म होना चाहिए। ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का मुंह बंद कर दिया है, सीबीआई का मुंह बंद कर दिया है, पुलिस का बंद कर दिया है। सबसे पहले तो ये सरकार खत्म होनी चाहिए। ये आईपीएल बिल्कुल भी बंद नहीं होगा जब तक ये गांधीवाद रहेगा। जय हिंद, धन्यवाद। लेकिन इसमें भाजपा के सांसद सिद्धू भी बोल रहे हैं, पता नहीं किस किस दल के कौन कौन लोग सामने और भी आएंगे। ये राजनीतिक दलों के एजेंट, या एजेंट जो राजनीतिक दलों में आए हैं, या जिन लोगों को केवल पैसा दिखता है, उनके लिए तो ये पैसा कमाने का एटीएम है, लेकिन इससे कितना नुकसान हो रहा है वो समझ नहीं पा रहे हैं। अगले कॉलर। नमस्कार जी। नमस्कार, बोलिए। डीपी वशिष्ठ हनुमानगढ़, राजस्थान से बोल रहा हूँ जी। हाँ, मेरा कहना है इंडियन पॉपुलर लुच्चे यानी आईपीएल पर बैन लगना चाहिए। शाबाश दिल्ली पुलिस, मैच फिक्सरों का दिमाग फिक्स किया सिर्फ 24 घंटों में, मगर दूसरी तरफ आईपीएल की मार्किन विदेश में खुल्लम खुल्ला स्टेज पर चुम्मा देती है। दूसरा मालिक शाहरुख खान, जिस पर स्टेडियम के प्रवेश द्वार पर प्रतिबंध लगा हो, खिलाड़ियों से तो यही अपेक्षा होगी। मंसूर अली खान पटौदी, कपिल देव, अमरनाथ, नवजोत जैसे खिलाड़ी भी भारत में पैदा हुए। 50 वर्ष पूर्व गुरुदत्त ने अपनी फिल्म में एक गीत में गए माध्यम से कहा, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। धन्यवाद। हम आपको परिणाम दिखाते हैं कि यह नंगा नाच ऐसे ही चलता रहा तो क्या परिणाम होंगे, देखिए। असली क्रिकेट खत्म हो जाएगा, भारत क्रिकेट का सबसे बड़ा गढ़ है। आखिर क्यों बना भारत क्रिकेट का गढ़? क्योंकि भारतीय अपने देश से प्यार करते हैं। जब क्रिकेटर भारतीय तिरंगे के साथ भारत का नाम रोशन करता है तो देश के क्रिकेट प्रेमी उसे अपना भगवान मानने लगते हैं। लेकिन कुछ क्रिकेटर पैसे के लिए आज देश और प्रशंसकों का दिल तोड़ रहे हैं। इससे प्रशंसकों में क्रिकेट के प्रति रुचि कम होगी, भारतीय संस्कृति कमजोर हो जाएगी। हर तरफ से भारतीय संस्कृति पर प्रहार हो रहा है। आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी में विदेशी कलाकार, जो कि अश्लीलता के बहुत बड़े जनक हैं, उनको लाकर देश की सांस्कृतिक परंपराओं को तार तार किया जा रहा है। देश में आईपीएल भ्रष्टाचार का अड्डा बन जाएगा। वैसे तो हर दिन नए भ्रष्टाचार के खुलासे होते रहते हैं, लेकिन आईपीएल ने तो खुलेआम भ्रष्टाचार को न्योता दिया है। क्या नेता और क्या क्रिकेटर और क्या व्यवसायी, सभी आईपीएल में पैसों की लूट में शामिल हैं।
देश का युवा राष्ट्र प्रेम की बजाय पैसे को अहमियत देने लगेगा। क्रिकेटर को प्रशंसक इसलिए प्रेम करते हैं कि वो देश का नाम रोशन करता है। अगर देश का नाम रोशन होगा तो प्रशंसक उसमें ही अपना नाम महसूस करता है। लेकिन आज का युवा पैसे के लिए हर तरह का गलत काम करके बड़ी आसानी से तैयार हो जाता है। आईपीएल के जरिए दाऊद अपना खेल खेलता रहेगा। दाऊद का मकसद सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से भारत को तोड़ना है, जिसमें वो पूरी तरह से कामयाब भी हो रहा है। हमारे युवाओं को अपने जाल में फंसाकर मनचाहे काम करवा रहा है। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए जगह जगह अपनी पैठ भी। इस पूरे खेल में कुछ जो मोहरे है, ये कुछ जिनके हाथ में ये सारे कठपुतलियों के धागे है, वो कौन कौन है आप नाम देखिए। इन नामों की तरफ देखकर आपको नाम सुनते ही पहली प्रतिक्रिया क्या आती है, जो विजय माल्या शराब किंग जिनको कहा जाता है, जो दिवाली पर और नए साल पर तमाम सारे लोगों को, सांसदों को बियर की बॉटल भेजता या शैंपेन भेजता है, वो भारतीय विचार और उसकी चिंता कैसे कर सकता है और क्या ये क्रिकेट के उद्धार के लिए आगे आ सकता है। शाहरुख खान जैसा व्यक्ति जो कि इस आईपीएल में उनके टीम में मुस्लिम दर्शक ज्यादा आए, इसलिए पाकिस्तान खिलाड़ियों को टीम में लेने का खुले मंच से आह्वान करता है और उसके लिए अपना वजन का उपयोग करता है, मुस्लिम कार्ड खेल के अपने टीम को समर्थक जुटाने का प्रयास करता है। यह आदमी देश के लिए खिलवाता है? बिल्कुल नहीं। ऐसे शिल्पा शेट्टी और उनका हस्बैंड, उनका नाम भी अभी याद नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे कैसे लोग इस आईपीएल में हैं, ये सारे लोग क्या क्रिकेट के भले के लिए एक आए? कदापि नहीं। अगले कॉलर, नमस्कार जी। मैं गढ़वा जिला झारखंड से बोल रहा हूँ, मेरा नाम पीयूष तिवारी है। मैं यह चाहता हूँ कि आईपीएल को बैन ना किया जाए, इसलिए कि जो इसमें छोटी छोटी प्रतिभाएं हैं जो पहले सिर्फ रणजी तक सीमित होती थी, उन लोगों को मिला है आगे बढ़ने का और उन लोग जनता लोगों के सामने आए हैं और उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला है, लेकिन इसमें एक बदलाव यह किया जा सकता है। हेलो, हाँ हाँ, इसमें यह एक बदलाव किया जा सकता है कि इसमें जो विदेशी खिलाड़ी हैं उनकी संख्या कुछ घटाई जाए, इसलिए कि बहुत सारे टीम आए जहाँ जिसमें अभी आप आईपीएल के जो रैंकिंग देखिएगा बॉलर का या फिर आप बैट्समैन का, तो उसमें ज्यादातर विदेशी लोग का ही नाम आ रहा है, तो इसमें कुछ बैन किया जाए ताकि और लोग जो स्थानीय प्रतिभाएं हैं उनको और आगे आने का मौका मिले। धन्यवाद भाई साहब। देश की प्रतिभा, युवा प्रतिभाओं की जरूरत आईपीएल में है या देश के दूसरे निर्णायक क्षेत्रों में है, जहां पर देश कहीं पर आगे बढ़े वहां पर उस प्रतिभा का उपयोग होना चाहिए। यहां पर विदेशी खिलाड़ी इसलिए भी लाए जाते हैं क्योंकि काले पैसे को व्हाइट करने के लिए विदेशी खिलाड़ी ज्यादा आसानी से अवेलेबल हो सकते हैं, मोटी मोटी रकम उनके ऊपर लगाई जा सकती है और उन नामों का उपयोग करके इतनी बड़ी रकम के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं ले सकता। जो बड़े बड़े विदेशी जिनको वो लोग स्टार कहते हैं, ऐसे कलाकारों को ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी में भी इसलिए लाया जाता है क्योंकि विदेश में बैठे कुछ आकाओं को सही तरीके से सही मात्रा में धन पहुंचाया जाए। अगले कॉलर, नमस्कार। हेलो, बोलिए। हाँ, मैं अनिल एंथोनी छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ सर। बोलिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ जो आईपीएल में जो हो रहा है और इसमें जो नेता लोग भी मिले हुए हैं, तो इस सबको बंद करके राष्ट्रपति शासन लगा के मिलिट्री शासन लगा कर ये आईपीएल में जो तीन है इनको तो जूते मारना चाहिए। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास भी जाएंगे, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन हम आपके सामने बार बार वो वीडियो भी दिखा रहे हैं जिस वीडियो में नाइट पार्टी कैसे होती है ये आप देख रहे हैं। हम आपको बता दें कि हम आपको केवल हमारे द्वारा सेंसर किया गया वीडियो दिखा रहे हैं, ये भी हम नहीं दिखाना चाहते, लेकिन ये केवल 10% है। इसमें 90% नंगा नाच हम आपको नहीं दिखा रहे, तो आप कल्पना करिए कि वास्तव वहां पर क्या होगा। ये देखिए, मैदान में आपके हीरो समझे जाने वाले क्रिकेटर कपड़े उतार कर अर्धनग्न होकर वहां क्या क्या खेलने, कैसे कैसे खेलने आते हैं। ये विजय माल्या का बेटा है, ये देखिए सिद्धार्थ माल्या, जो इसके पहले वीडियो था उसमें सिद्धार्थ माल्या, विराट कोहली, ये तमाम क्रिकेटर आप देख रहे हैं। ये तो एक रैंप का डांस है, एक किसी स्पॉन्सर पार्टी में हुआ है, इसके पहले जो हो रहा था वो नाइट पार्टियों का नंगा नाच था।
खिलाड़ियों को शाम से लेकर रात तक खिलाया जाता है, उसके बाद रात को 2 बजे तक उनको घोड़ों की तरह इन पार्टियों में उपस्थित रखा जाता है। विदेशी चेयर लीडर इसीलिए लाई जाती है कि उनका उपयोग नाचने के सिवा भी दूसरे कामों के लिए रात के पार्टियों में किया जाता है। चलिए कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम। बोलिए। जब भारत सरकार में आईपीएल की जरिए एक नंगा नाच हो रहा है, मैं देश के पूरे हिंदू राष्ट्र पूरे देश से मांग करता हूं कि कांग्रेस पार्टी और आईपीएल को तुरंत बैन कर देना चाहिए, यह हमारी मांग है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास भी चलेंगे, आप भी कॉल कर सकते हैं। आज लाखों कॉलर अपनी बात को रखने के लिए तैयार है। हम खुश है कि देश इसके खिलाफ बोल रहा है, लेकिन केवल यह इस कार्यक्रम में बोलकर नहीं होगा। तो आपके पास जितने भी नंबर जहां पर भी जैसे उपलब्ध हो आईपीएल से जुड़े हुए लोगों को कॉल करिए, आईपीएल को बैन करने के लिए कोर्ट में जाइए, आईपीएल के इस नंगा नाच के खिलाफ सामाजिक जन जागृति करिए। अगले कॉलर, नमस्कार। मैं यूके पैराइस से अब्दुल कादिर बोल रहा हूँ सर। हाँ, मैं चाहता हूँ सर ये आईपीएल बंद हो जाना चाहिए सर। आईपीएल में लोग अपना बड़ा पैसा लगा देते हैं, घर ऊर्जा सर बेच के लगा देते हैं, इसलिए आईपीएल बंद होना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। हम यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जा रहे हैं, फिर बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए, क्या आईपीएल के ऊपर बैन लगाना चाहिए। अब तक सारे हिंदुस्तान इस बात को मान चुके हैं, मान रहे हैं, चंद सटोड़ी और पैसे लगाने वाले या नंगा नाच को देखने के लिए जो नशे में धुत है ऐसे लोग छोड़ के सारे लोग इसके खिलाफ हैं, लेकिन पैसे की इस एटीएम मशीन को कोई बंद करने को तैयार नहीं है।